स्वादंतर माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे, स्वादिष्ट और सुंदर छोले भटूरे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। छोला बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी छोला लिया है, जिसको मैंने 8 घंटे भिगो दिया है। और उसके बाद में मैंने उसको एक गिलास पानी के साथ में उसको नमक डाल के और करीब सीटी आने के बाद 4-5 मिनट रखा है और उसको बंद कर दिया है। उसके बाद में मैंने जो लिया है, थोड़ा हल्दी पाउडर लिया है करीब 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून करीब धनिया पाउडर लिया है, स्वादानुसार नमक लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, 1 हरी मिर्ची ली है, तेज़पत्ता और जीरा लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, चुटकी भर अमचूर लिया है और एक जो अलग इसके अंदर सामग्री है वो है चना मसाला, जो मैंने खुद बनाया है। इसके अंदर और 1 चम्मच तेल, और इसके लिए मैंने 1 प्याज छोला बनाने के लिए और थोड़ा छोले पर डालने के लिए करीब मैंने 2 प्याज काट करके लिए। तो उसके अलावा जो अब हम सबसे पहले भटूरे का आटा गूंथते, और उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिए और 1 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, 1 टीस्पून मैंने चीनी ली है और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, और मैंने 1 टीस्पून घी मैंने 1 टीस्पून लिया है। इस आटे को मैं धीरे धीरे गूंदूंगी, करीब आप देखेंगे करीब आधा गिलास से कम पानी का इसमें उपयोग होगा। ये जो 2 कटोरी मैदा ली है, ये भटूरे करीब इसके 7 से 8 भटूरे के करीब बनेंगे, ज़्यादा मोटे बड़े नहीं होंगे, मीडियम साइज़ के, और आप थोड़े से बड़े बनाएंगे तो 6 भटूरे के करीब। इससे 3 लोगों के लिए ये काफ़ी है 2 कटोरी मैदा। आटा करीब तैयार हो गया, इसको बहुत ज़्यादा लोश देने का ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको हल्का सा तेल लगा के थोड़ा सा इसमें मैं परात में तेल डालूंगी और उसके बाद में इसको मैं, ये आटा मैंने करीब जो है ये रोटी से, रोटी का जो हम आटा लगाते हैं उससे हल्का सा नरम है ये आटा। ये देखिए, जैसे कचौरी के लिए भी आटा गूंथते हैं, ये करीब करीब उसी तरह का आटा है। ये देखिए ये आटा रोटी का जो हम गूंथते हैं उससे हल्का सा नरम, ठीक है। तो इसको मैं ढक कर के और थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब हम छोला बनाना शुरू करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूंगी। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर तेज़पत्ता और जीरा डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको एक बार हिलाऊंगी, और इसके बाद में मैं इसके अंदर 1 प्याज जो है, ये 2 प्याज हैं, और मैं इसमें से 1 प्याज अंदर डालती हूँ। प्याज लाल होने तक मैं इसको थोड़े थोड़े गुलाबी होने लगे, अब इसके अंदर मैं
सबसे पहले ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, इसके बाद मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ और ये गरम मसाला है ये डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसको पहले अच्छी तरह से, मैंने गैस थोड़ी सी धीमे कर दिए, मसाले भुनने लगे हैं और इसके अंदर अब मैं ये हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसके अंदर ये कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ और ये एक जो है मसाला छोला मसाला ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये छोला मसाला मेरा घर का बना हुआ है और ये मैंने आंवले और काले नमक से तैयार किया है। अब इसके अंदर मैं छोले डाल देती हूँ। यदि आपके छोले अच्छी तरह उबले हुए हैं तो आप इसी पैन में बनाएं और यदि इसमें आपको लगता है छोले में हल्की सी कसर है तो आप इसको कुकर में भी 2 सीटी लगा सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, करीब 2-3 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें पानी डाला है। इसमें मैंने टमाटर का उपयोग नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने खटाई के लिए जो छोला मसाला डाला है वो इसके कलर और इसके खट्टेपन के लिए काफ़ी है। मैं इनको छोलों को थोड़ी देर ढक के और फिर पकाती हूँ। इसको मैं गैस को हल्की सी तेज़ कर दी है मैंने और इस ढक्कन से मैं इसको ढक देती हूँ। जो छोला मसाला जो मैंने आंवले और काले नमक से तैयार किया इससे छोले में थोड़ा गहरा रंग अपने आप कलर आ जाता है। छोले बनके तैयार हो गए और मैं अब ये देखूंगी छोले बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, आप भी देखिए, छोले एकदम तैयार हैं। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया से इसको गार्निश कर दूंगी और ये छोले एकदम से तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और इसको मैं बंद करती हूँ। तेल गरम किया हुआ है और अब हम भटूरे बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने चकले के ऊपर एक प्लास्टिक, जो आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा अच्छा वाला प्लास्टिक, जो आप जैसे बड़ी चीनी आटा कुछ भी आता है उसका बड़ा साइज़ वाला अच्छा मोटा जिसका कलर नहीं निकलता हो, आप उसको काट के और साफ करके रखेंगे। ये आप चकले पे भी बेल सकते हैं, पर जैसे बहुत लोग बेल नहीं पाते हैं, चकले पे भटूरा उठाते वक्त टूट जाता है, तो आप यदि इस प्लास्टिक पर बेलते हैं तो आपको उठाने में बहुत सुविधा रहती है। तो हम लोग इस आटे की लोइयां बना लेते हैं। पहले ये तोड़कर एक तब हम एक लोई लेंगे और मैं बताना चाहूँगी कि इसको हम तेल लगा के बेलेंगे और आप चाहें तो इसको आप मैदा लगा के भी बेल सकते हैं। कि मैं थोड़ा सा घी या तेल कुछ भी पास में रखेंगे और वो लगा के और थोड़ा सा बेलन पे लगा के हम इसको बेलेंगे। इसको आप बराबर बेलते उठाएं ना, बेलते भी जाएंगे तो आप इसको लगातार बेल सकते हैं। तेल को मैं अच्छा गरम करूंगी, इसके लिए तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए और मैं इसको काफ़ी आप पेपर को घुमा घुमा करके और इसको बेल सकते हैं। और देखिए, जब ये अच्छा बड़ा हो गया तो मैंने इसको ऐसे पेपर पकड़ के और इसको उठा लिया। देखिए, उठाने में बहुत ही आसान रहता है पेपर से ये। और अब मैं इसको तेल में डालती हूँ। हम एक एक करके अपने सभी भटूरों को बना लेंगे। सभी भटूरे देखिए कितना अच्छा से फूल रहे हैं। इनके लिए तापमान, गैस
गैस भी तेज़ होती है और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और लगता है ज़्यादा गर्म हो गया है तो फिर आप इसको धीमे भी कर सकते हैं। जैसे हम एक और भटूरा बेलेंगे, अब मैं आपको मैदा से भी बेल के दिखाती हूँ, लेकिन आपको यदि जिसको तेल से बेलने में दिक्कत हो, जो नया बना रहे हैं वो मैदा लगा के बेल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना चाहिए। ये तो ये देखिए कितना आसानी से भटेरा उठ रहा है इस पर से, और आपको लगता है कहीं से थोड़ा मोटा है तो आप इसको फिर से थोड़ा सा बेल सकते हैं। इसको मैं उठा रही हूँ और मैं इसको धीरे से तेल में डाल रही हूँ, नहीं तो तेल उछल जाएगा तो आप हाथ जल सकता है। ये देखिए और हमारा भटूरा कितना सुंदर फूल रहा है, और देखिए कितने सुंदर इस पर बन रहा है। मैं इस तरह से हम अपने 5-6 भटूरे सारे कि हमारे भटूरे एकदम तैयार हैं। आप देखिए कितने फूले फूले, कितने सुंदर भटूरे हैं, और आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये कितने तोड़ने में खस्ता है, और अंदर इसके अंदर कोई तेल नहीं है। आप ये देखेंगे अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं है, एकदम सूखे हैं, इन्होंने बिल्कुल तेल नहीं सोखा, जो तेल बिल्कुल भी कढ़ाई में जैसा था वैसा ही है। और ये भटूरे आप खाएंगे तो आपका जी बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। हमारे छोले भटूरे बहुत अच्छे बने हैं, बहुत फूले फूले भटूरे बने हैं। अब आप ज़रूर बनाएँ, खाएँ और कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको कैसे लगे, और हमारा भी चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।